लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाई साहब, ये सब हो गया आपके पीछे। मेरे को लगता मुसीबत तेरे पास नहीं आती, तू इस मुसीबत के पास जाकर खड़ा हो जाता। अरे क्या जरूरत थी तेरे को उसको अकेला छोड़ने की, जब तेरे को मालूम है ना सोसाइटी में लोग बल्ब चोरी कर लेते हैं। अरे तो औरत को उठाने में पुलिस को कितना टाइम लगता है रे एड़े। भाई साहब, अब जो हो गया हम उसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अब तो बस ये सोचना है मिथिलेश जी को बचाएं कैसे। अरे तो इसीलिए तो आप उनका सब इम्पोर्टेंट काम छोड़ के मैं तेरे साथ चल रहा हूँ मेरे भाई। चल अब मेरे को बता तू साला लफड़ा क्या है। ज्यादा शानपति नहीं चाहिए क्या, फटाफट अपना नाम और एड्रेस बोलने का। ए, और अपना नाम बोलने का समझी। लाल वाले का नाम लिख तू। लाल वाले का नाम है जूली डिसोजा। अरे और ये ग्रीन वाले का नाम है। हेलो सब इंस्पेक्टर काले बोलते है। चाहेला क्या हुआ काले ने सर, वो बोल रहा है कि सब इंस्पेक्टर काले क्यों है, एक भी गोरा नहीं है। सर ये नारंगी वाली का नाम क्या है। अरे मैं जिसके पास रेगुलर जाता है बाबा उसका ही नाम याद होता है ना। ये नहीं है, नहीं है रे तू? नहीं है। हाँ साहब, मेरा नाम मीरा है। ये तो सीरियल वाली है ना। हाँ इसको सीरियल में देखा है मैंने। अच्छा ये तू एक्टिंग पार्ट टाइम कर देगी डांस फुल टाइम। हाँ या डांस पार्ट टाइम और एक्टिंग फुल टाइम। अरे कुछ भी करो, ग्राहक तो इधर भी सेम है और उधर भी सेम है। ए गुलाबी, तो फुल टाइम बीवी है कि पार्ट टाइम डांसर? कि पार्ट टाइम बीवी और फुल टाइम डांसर डांसर। झूठी लिखना है तो कुछ भी लिख दीजिए। साला रोड पे धंधा करते हुए शर्म नहीं आती है? और इधर आके पुलिस को सच्चाई का पाठ पढ़ाएगी तू? सच्चाई का पाठ तो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है ही। अब मैं किसी की चार्जशीट बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन मैं तेरी चार्जशीट बनाऊंगा मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, पर एकदम सच्ची चार्जशीट बनाऊंगा। काले डाल सबको अंदर। ए चल चल, ए लता आ गई आ गई, चले चलना चल चल। ए गुलाबी बक्ते का चल। आज के बाद अगर तू इस एरिया में दिखा ना तो तुझे मैं लौंडा बना के छोड़ूंगा। अरे भाई साहब हुआ क्या, चलिए ना। अबे ये पूछ के क्या नहीं हुआ, कसम से तेरी भी किस्मत ना ऐसी लफंडर है। तेरे को पक्का है तेरी बीवी इधर ही है मिथिलेश? भाई साहब बीवी के मामले में क्यों झूठ बोलूंगा मैं। हाँ तो सर सुन ले, मुंबई का और कोई पुलिस स्टेशन होगा ना तो साले ऐसा 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 निकालता बाहर। वो खोटे ना हराम खोर की माँ का 36 काकड़ा है मेरा उसके साथ। अगर मेरे को देख लिया ना तेरे साथ तो मिथिलेश के साथ तू भी जमा हो जाएगा, अबे सड़ा देगा तेरे को अंदर वो। भाई साहब आप एकदम सच कह रहे हैं, बहुत ही कमीने हैं। मुझे भी बार बार भड़वा दल्ला कह रहे थे, बार बार सबूत लाने को कह रहे थे वो। अच्छा अरे फिक्र मत कर यार, कुछ और सोचेंगे, कुछ और सोचना पड़ेगा साले के लिए। चल चल कुछ कर। जाने कौन से जन्म की सजा मिल रही है हमको तो बहुत डर लग रहा है। कुछ खा ले, सब ठीक हो जाएगा। बेचारी क्यों डाल दिए से यहाँ पर, तू सुनी नहीं वो खोटे सबूत भी लाने को बोले है इस कमरत को। फिर अरे हम है ना, तू टेंशन मत ले, हम बोलेंगे ना कोर्ट में कि तू अपने माफिक नहीं है। कोर्ट कचहरी कितनी बदनामी की बात है। अरे अब उनको तो आदत है, पर तू तो पहली बार अटकी है ना, और वैसे भी आजकल तो मुंह ढककर लेकर जाते हैं ना कोर्ट में, और तेरे पास तो घूंघट भी है। तू चिंता मत कर, अपन तेरे वास्ते दुआ मांगेगी। पता नहीं कैसे होगा ये सब। अरे क्या कह रहे हो जमाई बाबू, अरे ये तो बहुत बुरी खबर है। मिथिलेश वाह बहुत अच्छी लड़की थी। हेलो हेलो, हे भगवान, ये सुनने से पहले हमको उठा खाए नहीं लिए। आप चिंता ना करें, उन्हें कुछ नहीं होगा, मिथिलेश जी को हम छुड़ा लेंगे। बाबू जी को बस इतना बोलना, पहुँचते ही तुरंत खचाक भैया के मोबाइल पर फोन करें और शादी की एल्बम लेकर आ जाएं। ठीक है। अरे कोनो मरी थोड़ी है, रोक आ रहे हो तुम लोग। अरे वो कहा है, कोनो बार बार का चक्कर है, पुलिस उसको पकड़ के ले गई है, और वो देवकी के बाबूजी आएंगे ना, तू एल्बम लेके सबूत के लिए जाना है मुंबई। चलो चलो यहाँ से चलो। चलो चलो
घेतली ना एवढा हैराण करून सोडला सगळं जेवण समोर टाकलं आली म्हातारी शोधते जेवण इकडे तिकडे घरी क्या रे तेरा लफड़ा सॉल्व हो गया क्या खाली पीली जी बहुत अच्छी बात है आप खा ली आप पी ली लेकिन आप हमें क्यों बता रही हैं हम तो बस मिथिलेश जी से मिलने आप हमें यहाँ से ले जाइए ये लोग हमें यहाँ ले आए किस मुसीबत में फंस गए हम तो वहाँ पर सिर्फ खड़े रहकर देख रहे थे मिथिलेश जी हमारा तो मन कर रहा है आपको बहुत डांटे काहे हमारा इंतजार नहीं किया आप क्यों पुलिस वैन के पास चली गयी आपकी नहीं मानी तभी तो भुगत रहे पर अब हमें यहाँ नहीं रहना हमें यहाँ से ले चले अब आप चिंता ना करें हमें आपको बचाने के लिए जो पापड़ बेलना पड़े बेलेंगे अब आप ए गुरुद्योग पापड़ बाद में बेलना पहले चक्की पीसना सीख ले पहले सबूत लेके आने का बाद में गुटर गु करने का चल चल पहली बार किसी पति से मिल रहा हूँ जो अपनी बीवी के लिए परेशान है वैसे तुम्हें एक बात बताऊं अगर मेरी बीवी पुलिस में फंसती ना तो मैं जरा भी परेशान नहीं होता उल्टा वो लोग परेशान होते मुझे ढूंढते और मेरी बीवी को घर तक पहुंचा देते फ्री होम डिलीवरी अरे चुना वाला तू किधर अपना केस खोल के बैठ गया इसकी बीवी फंसी ली है उसको निकालने का सोचना सर प्लीज सर मिथिलेश जी के लिए कुछ करिए ना करना क्या है छुड़ा देते लेकिन बाद में मत कहना कि वापस वहीं डलवा दो इन औरतों का क्या भरोसा भाई समझ गया तेरा प्रॉब्लम तेरी बीवी ने तेरी बहुत लगाई ली है इसीलिए तो इतना परेशान है बेटा देखो भाई अब बीवी साथ में रहकर परेशान करे या दूर रहकर परेशान करे काम तो एक ही करती है ना परेशान करना सर मिथिलेश जी एकदम ऐसी नहीं है आप उनको इस बातचीत में मत शामिल कीजिए भाई तुम्हें एक बात बताओ तुम लाखों में वो एक हो जो बीवी की वजह से नहीं बीवी के लिए परेशान हो तुम्हारा क्या होगा यार चलो अब मदन के साथ आए हो तो तुम्हारे लिए कुछ करना ही पड़ेगा लेकिन मदन एक शर्त मेरी परेशानी के बारे में बाहर जाकर किसी को बताना नहीं है ससुरा बहुत थकान हो गई लाओ सामान निकालो क्या हुआ चार दिन में इतने याद आ गए कोनो बात नहीं अरे भैया हम तुम्हारे लिए थोड़े ना आंसू बहा रहे हैं तू तो अपनी मिथिलेश से अरे जब बिटिया को विदा किए रहे तब भी इतना नहीं रोए हैं अब काहे फड़फड़ा रहे हो तुम्हारे मिथिलेश सुबह ठीक है हमारे बबुआ के साथ में है अरे बबुआ का फोन आवारा भाई ए समधी बात को रबड़ मत करो साफ साफ बताओ क्या बात है अरे जो माई बाबू का फोन आवा रहा कहत रहे कि जैसे बाबूजी पहुंचे उनको बोलना कौनो घचा के मोबाइल पे फोन कर ले तब तो देवकी के बाबूजी मरते मर जाएंगे लेकिन खचकवा को फोन नहीं करेंगे शट अप रहो अरे मरे इनके दुश्मन पहले पूछ तो लो फोन करके चला चलिए ना अच्छा देखो आप सब लोग गवाह हैं हम खचाक को फोन मजबूरी में कर रहे हैं उसी से नहीं हेलो हम संकटा प्रसाद त्रिपाठी बात कर रहे हैं अरे बाबूजी अरे क्या तुम पहुंच गया क्या गाँव ए ये तू तड़ाक से बात करना हमको कतई पसंद नहीं है देवकी को फोन दो अरे देवकी घर पे है वो मिथिलेश को बहुत मिस कर रहा बहुत उदास है बेचारा हो हमको कहाँ आवारा गर्दी कर रहे हो देवकी से बात अर्जेंट है ए बाबूजी इधर बहुत मचमच हो गई है बोले तो बहुत टेंशन हो गया है पुलिस आके मिथिलेश को उठा के लेके के लिए वो बोल रहे कोई शादी का सबूत उबूत चाहिए सबूत मिले ना तो ही छोड़ेंगे उसको अरे शादी अपने आप में सबूत है अरे लेकिन वो हरामखोर नहीं समझ रहा है तो मैं क्या करूं गाली गलौज मत करो हरामखोर कौन अरे तुम्हारे को थोड़े हरामखोर मैं बोल रहा हूँ कोटे को बोल रहा हूँ एक तो तुम लोग बहुत शाणे बनते ए तुम लोग की शादी मैं कराता हूँ मैं बाप हूँ इसकी माँ की इसकी जिंदगी हराम कर दी तुम लोग ने अभी भुगत तुम लोग मुझे मत समझाओ ज्यादा करना क्या है गांव वालों को सबको उठा के ट्रेन में डाल के सबको मुंबई लेके आओ मंगलवार तक अगर मिथिलेश कोर्ट में गई और तुम लोग सबूत लेके नहीं आए तो उधर ही जमा होंगी फिर जिंदगी और पछताएंगे सब शांतपति निकल जाएंगे हाँ तुमसे अच्छी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती अरे तो तुम्हारे से कौन सी अच्छी बात की उम्मीद करता हूँ खाली शांतपति का अरे चलना बहुत ही इसकी माँ की देड़े आदमी कसम से क्या हुआ बताते हैं आओ ये अरे कहा है भैया इतने रात को काहे परेशान कर रहे हो हमें अरे गांव की बहू बेटी की इज्जत का सवाल है चलो मुंबई अरे मुंबई का छंगा की मिठाई की दुकान है का कि इधर से निकले और मुंबई पहुंच गए अरे भैया जगह चाहे नरक में हो अब अपनी बिटिया के बचाने खातिर जाने तो पड़बे करेगा ना देखो दुबे जी
हमरो मुंबई जाने की इच्छा है पर अपने धर्म पत्नी के साथ। अरे तो पूरे खानदान को ले लो साथ में, चलो। अरे हम लोग का ले चलो, हमारा झोला झंकर तैयार है। तुम्हारी उम्र शमशान जाने की है, मुंबई नहीं, पड़े रहो यहाँ, पड़े रहो। अरे हटो, हम आएंगे, हम आएंगे भैया, मिथिलेशा को भी छुड़ा लेंगे, लगे हाथ रेखा से ही मिल लेंगे। इन जड्डों से पाला पड़ा है, सबको अपने अपने मतलब की पड़ी है। सही कह रहे। अरे तुम भी तो अपना मतलब देख रहे हो ना, जब काम पड़ा तभी तो हम सबको ले जा रहे हो। अभी तो अकेले गए थे ना, काहे नहीं सबको लेके गए। अरे भैया लड़ो झगड़ा मत, बहु बेटी की इज्जत का सवाल है, जाना तो पड़बे करेगा, समझे कि नहीं? सिस्टम से हर चीज हो ना तो प्रॉब्लम ही क्या है। हमको भी बाबा किसी को पकड़ना अच्छा नहीं लगता है। हाँ माने? हाँ साहब। छोड़ दो रेशमा और रानी को, आइए। थैंक यू। क्या बात, जाओ। क्या बात है खोटी साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या बात है साहब, आज यहाँ कहाँ रास्ता भूल गए? नहीं नहीं ऐसे ही बस दर्शन करने आ गए। वो क्या है कि हमारे इन साहब की बीवी गलती से आपके लॉकअप तक पहुँच गई है। क्या रे, इतने बड़े साहब को रात को परेशान करने को लेके आया? अरे साहब परेशान तो ये बेचारा है, by God, बीवी के लिए परेशान पति जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अरे परेशान तो इसने हमको भी करके रखा है, बोलते बिना सबूत के छोड़ दो। अब बीवी उसका है या नहीं है ये भी हमको पता नहीं है, और साहब ड्यूटी पे ऐसे कैसे छोड़ दे? दो दिन से घूम रहा है, एक भी सबूत ला के दिया तो नहीं ना, अब आप बोलो क्या करें? बात तो सही है साहब, लेकिन गाँव गाँव में कहाँ होता है सबूत, कह दिया और कर ली शादी। अब कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही, आप अगर चाहें तो। एक रास्ता है चुनावला साहब, क्या है कि 162 CRPC के तहत ये लड़की का स्टेटमेंट लेकर उसे नारी सुधार गृह में भेज देता हूँ, और फिर वहां से उसको कोर्ट में लेकर जाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने, वहां 164 CRPC के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, बराबर है, और बाद में वो छूट जाएगी। ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन कोर्ट में जाना पक्का है। नहीं 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 सर, ऐसा मत कीजिए, कोर्ट कचहरी बहुत बहुत बेइज्जती हो जाएगी। सर बाबूजी आ रहे हैं सबूत लेके, शादी की फोटो लेके, मदन भैया गए हैं उनको लेने। कौन भैया? वो हमारे ताऊ जी के लड़के मदन गुप्ता भैया, वो ला रहे हैं सबको। ठीक है, तब तक साहब को भी रेस्ट करने दो और मैं भी जरा फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है सर, मिथिलेश जी से मिलने दीजिए ना प्लीज, सबूत मिलने के बाद। ठीक है कोई बात नहीं, बाबूजी के आने तक वेट करते हैं। चलो जाओ, ये खोटे का पुलिस स्टेशन, जाके छुड़ा लो अपनी बहू। अरे तुम चुप रहो, तुम तो कुछ उपाय नहीं पाए, हम कर लेंगे जो करना है। चलो भाई, ये सबूत वाला बक्सा यही है, उतार नीचे। वाह रेखा रानी वाह, 50-55 की हो गई हो, दादी अम्मा किरदार कर रही हो, लेकिन आज भी रानी गजब की दिखती हो, गजब की। वाह क्या बात है, रेखा को पोस्टर से निकालने नहीं, बहू को जेल से छुड़ाने आए हैं। चलिए जहाँ देखो वहाँ शुरू हो जाए।